अब इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा अंतर अंतर जो है किसमें किसमें, वी बेल्ट चालन में, पट्टा चालन में और वी बेल्ट चालन में, दोनों में अंतर क्या होगा। तो देखिए, खुला पट्टा एवं क्रॉस पट्टा चालन की दोनों विधियों से पट्टा लपेटा जा सकता है। जो हमारा खुला पट्टा है, जो ओपन पट्टा होता था, नहीं देखते थे कि पुल्ली थी और उसके ऊपर दो पुल्लियों के ऊपर हमने क्या कर दिया था, पुल्लियों को बेल्ट से जोड़ दिया था, बेल्ट ऊपर चढ़ा दिया था। ये क्या था, ये सिंपली हमारा क्या था, ओपन पट्टा था, खुला पट्टा चालन था, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, लपेटा जा सकता था, मतलब पट्टा जो था उसमें आसानी से क्या होता था, लपेटा जा सकता है, ठीक है। इसका वी बेल्ट चालन में हम देखेंगे कि अंतर क्या है, केवल खुला पट्टा विधि से ही पट्टा लपेटा जा सकता है, केवल जो है ओपन पट्टा जो है, ओपन बेल्ट ड्राइव जो था खुले पट्टे में, सिर्फ उसी में लपेटा जा सकता है, लेकिन वी बेल्ट ड्राइव में नहीं लपेटा जा सकता। जाहिर सी बात है, उस पर खांचे कटे होते हैं। वी बेल्ट में क्या होता है, वी शेप का पुल्ली के ऊपर, और पट्टे में भी क्या होंगे, खांचे कटे होंगे। दूसरा हमारा क्या है, चपटा पट्टा चालन में, यानी कि फ्लैट बेल्ट ड्राइव में दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा है, पुल्ली की परिधि पर केवल एक ही पट्टा लपेटा जा सकता है। मतलब कि ये रिस्ट्रिक्शन है, एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है, किस चीज पे, खुला पट्टा चालन पे, कि एक ही पट्टा लपेटा जा सकता है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को वी बेल्ट का लाभ बताया था, वी बेल्ट में आप लोगों को एडवांटेजेस बताया था क्या, कि एन गुनी शक्ति का पारेषण किया जा सकता है, कब, जब एक या एक से अधिक बेल्ट का लपेट कर, प्रयोग कर कर, ठीक है। तो मतलब जितने बेल्ट हम लपेट रहे थे उतने अधिक वहां पे क्या हो रहे थे, जितने बेल्ट हम लपेट रहे थे उतने ही वहां पे एन गुनी शक्ति का पारेषण हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एन गुनी शक्ति, यानी कि क्या था कि हमारा एक से अधिक पट्टे किसमें लपेटे जा सकते हैं, वी बेल्ट ड्राइव में, ओपन पट्टे में बिल्कुल नहीं, क्रॉस बेल्ट में बिल्कुल नहीं, लेकिन वी बेल्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक बेल्ट को लपेट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पुल्ली की परिधि पर केवल एक ही पट्टा, ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन हमारा जो है, चालन के दौरान पट्टे के फिसलने की संभावना बनी रहती है। जाहिर सी बात है, जब चालन हमारा, चालन के दौरान बेल्ट की पुल्ली पे से सरकने की संभावना बनी रहेगी, क्यों, क्योंकि जैसे ये ओपन पुल्ली है, ओपन है, इसके ऊपर हमने सिंपली पुल्ली बेल्ट लगा दिया। ओपन का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एक बार वीडियो में भी बताया था और क्लास में भी बताया था, क्या बताया था कि इसका एक उदाहरण दिया था, आटा चक्की, फ्लोर मिल। फ्लोर मिल में आप लोग देखे होंगे, पुल्ली लगी हुई है, एक पुल्ली यहाँ पे, एक पुल्ली यहाँ पे, थोड़ी दूरी पे लगी हुई है, और वहां पे लगे होने के वजह से आप देखे होंगे कि उसके ऊपर बेल्ट लगा होगा, उसके ऊपर क्या लगा होगा, बेल्ट लगा होगा। अब उस बेल्ट पे आप देखे होंगे कोई किनारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाउंड्री नहीं रहती है। बेल्ट कभी कभी क्या होता है, उतर जाता है। बेल्ट क्या होता है, कभी कभी बेल्ट क्या होता है, कभी कभी उतर जाता है, किसके ऊपर से, पुल्ली के ऊपर से, पुल्ली के ऊपर से क्या होता है, बेल्ट हमारा निकल जाता है। तो ये एक क्या है, बहुत ही बड़ा परेशानी का कारण है, कि जैसे पुल्ली अगर चलते चलते बेल्ट उतर जाएगा तो हमारे काम रुक जाएंगे, बेल्ट टूट सकता है, हानि हो सकती है, स्लिपिंग हो सकती है, बहुत सारे ओपन बेल्ट में हमारे आपके नुकसान हैं। अब देखिए इसका दूसरा, वी बेल्ट में क्या होगा, जैसे इसमें तो खुला होता है, वी बेल्ट में क्या होगा, वी बेल्ट में हमारा पट्टे के फिसलने की बिल्कुल संभावना नहीं होती है। कारण, वी बेल्ट है, वी नाम ही है, मतलब क्या है कि पुल्ली के ऊपर परिधि पे भी आप देखेंगे, ऊपरी सरफेस पे
क्या कटा होगा, खांचा कटा होगा, क्या कटा होगा, खांचा कटा होगा, ठीक है। और उस पे भी आप लोग देखे होंगे कि बट्टे पे भी एक वी शेप बना रहेगा, और क्यों बना रहता है कि वो जो वी शेप है वो खांचे में आकर के क्या होता है, बैठ जाता है। और खांचे में आके बैठने से क्या होता है, ये पुल्ली जो हमारा है इस पे, जब हमारा खांचा इस पे बेल्ट हमारा आकर के बैठ गया तो क्या होगा कि ऐसे ऐसे उसमें हिलने की संभावनाएं नहीं रहेंगी, उतरने की संभावनाएं पुल्ली के ऊपर से नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये फायदा तो होता है वी बेल्ट में, लेकिन ओपन बेल्ट में हमारा फायदा ये नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है, पट्टा तथा पुल्ली की संपर्क सतह पर घर्षण कम होता है। ओपन यानी कि फ्लैट बेल्ट टाइप में क्या होता है, हमारा पट्टा तथा पुल्ली के बीच संपर्क सतह में घर्षण जो है हमारा क्या होता है, कम होता है, घर्षण हमारा क्या होगा, कम होगा। कारण देखिए, हमारा पुल्ली है, बेल्ट है, ठीक है, बेल्ट हमारा किसके ऊपर से है, पुल्ली के ऊपर से। अब इन दोनों के मध्य हमारा क्या होगा, घर्षण कम होगा, घर्षण हमारा क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वी बेल्ट में, नेक्स्ट हम देखते हैं किसमें, वी बेल्ट में पट्टा तथा पुल्ली की संपर्क सतह पर घर्षण अधिक होता है। वी बेल्ट में क्या होगा, फ्रिक्शन जो है हमारे बेल्ट और पुल्ली के मध्य में क्या होगा, फ्रिक्शन अधिक से अधिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं किसमें, चपटा पट्टा चालन में, ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या है हमारा, अपेक्षाकृत कम शक्ति पारेषित करती है। अपेक्षाकृत क्या होगा, अपेक्षाकृत का मतलब कि एज कंपेरिजन टू वी बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट के वी पट्टा चालन के अपेक्षा जो है हमारा इसमें चपटा पट्टा चालन में क्या होगा, कम शक्ति का पारेषण होगा। लेकिन अपेक्षाकृत अधिक शक्ति पारेषित होती है इसमें वी बेल्ट ड्राइव में, मतलब कम दूरी पे अधिक से अधिक शक्ति का पारेषण होता है किसमें, वी बेल्ट ड्राइव में। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिफिनेशन में क्लास में वीडियो में बता चुका हूं, और अब फिर से भी बता रहा हूं, वही जो चीजें बताया हूं वही चीजें आपको हर जगह मिलेगा। डिफिनेशन जो ध्यान से सुना होगा वो खुद से मिनिमम पांच पॉइंट वो कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है बेल्ट ड्राइव में, ठीक है। अपेक्षाकृत अधिक शक्ति का पारेषण होता है किसमें, हमारा वी बेल्ट ड्राइव में, ठीक है। अब देखिए सिक्स पॉइंट क्या होगा हमारा, चपटा पट्टा चालन में कसे पक्ष तथा ढीले पक्ष के तनावों का अनुपात कम होता है। अनुपात जो होगा, रेशियो जो होगा, जो मैंने भी बताया क्या, तनाव ढीलापन, ऊपर तनाव हो रहा है तो नीचे क्या होगा, ढीलापन, नीचे तनाव हो रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ढीलापन। यानी कि कसे तनाव मतलब कस रहा है, यहाँ पे एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, कसाव हो रहा है, कसाव होने से क्या होगा, तनाव होगा। तो वही चीज कहना चाह रहा है, कसे तनाव का तथा ढीलापन का हमारा जो अनुपात होगा वो क्या होगा, कम होता है। अब अनुपात को मैं फॉर्मूला में बता दूं किसका, टेंशन, टेंशन, टेंशन मतलब क्या होता है, तनाव, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, टी से, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, टी से डिनोट करते हैं किसको, टेंशन को, तनाव को। तो जो तनाव होगा कसेपन का और ढीलापन का, जो तनाव होगा मतलब जो ढीलापन होगा उसमें भी तो तनाव होगा ही होगा, कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, इसमें भी तो तनाव होगा, ये भले से ढीलापन है लेकिन इसमें क्या होगा, तनाव होगा लेकिन कम होगा, एज कंपेरिजन टू ऊपर वाले में, ऊपर वाले में टेंशन अधिक होगा। तो जो दोनों का रेशियो जो होगा हमारा, जो दोनों का रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, कम होगा। तो इसका फॉर्मूला है T1/T2EU^θ, ठीक है। T1 T2 हमारा क्या है, T1 T2 हमारा क्या है, टेंशन है, टेंशन इन साइड, यानी कि टेंशन इन साइड मतलब कि हमारा एक साइड में टेंशन मान लीजिए T1 है, दूसरे साइड में हमारा टेंशन मान लीजिए T2 है, ठीक है, दूसरे साइड में हमारा टेंशन T2 है, T3 है, T2 है, अगर दो पट्टा है, अगर तीन पट्टे होते तो वहां पे टेंशन बढ़ता चला जाता है। यानी कि खुले पट्टे चालन में कुल मिला जुला के कहने का हमारा बस एक ही तात्पर्य था, एक ही मतलब था कि तनाव जो होगा हमारा, टेंशन जो होगा हमारा, तने भाग का और
ढीले भाग का, कसा हुआ भाग, तना हुआ है, खिंचाव है, उसमें भी टेंशन है, और जो ढीला भाग है उसमें भी टेंशन है, तो दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब यही पॉइंट हम डिस्कस करते हैं किसमें, वी बेल्ट ड्राइव में। तनाव का अनुपात जो होता है इसमें क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तनाव का अनुपात जो है इसमें अधिक होता है, किसमें, वी बेल्ट ड्राइव में क्या होगा, तनाव का जो अनुपात होगा अधिक होगा, यानी कि टी वन अपॉन टी टू क्या होगा, अधिक होगा, किससे अपेक्षा, हमारा खुले बेल्ट ड्राइव में, ओपन बेल्ट ड्राइव में, जैसा मैंने बताया टी वन अपॉन टी टू बराबर ई यू टू द पावर यू टू द पावर थीटा, ये क्या होगा, कम होगा, किसमें, खुला पट्टा में, लेकिन वी बेल्ट ड्राइव में क्या होगा हमारा, अधिक होगा, यानी कि टी वन अपॉन टी टू, यानी कि टी वन अपॉन टी टू बराबर ई टू दी पावर यू थीटा कोसेक कोसेक बीटा, ये हमारा क्या है, टेंशन, टेंशन का अनुपात, अनुपात किसके लिए है, ये वी बेल्ट के लिए, वी बेल्ट ड्राइव के लिए कितना होता है, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, अधिक होगी, मोर होगी। ठीक है, जबकि इसमें जो है ये क्या होगा, कम होता है। ठीक है, ये किसके लिए है, खुले पट्टे चालन के लिए है, वो किसके लिए था, वी बेल्ट ड्राइव के लिए था, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं ताकि नजर आए। नेक्स्ट देखते हैं, चपटा खुला पट्टा में जो है, चपटा खुला पट्टा मतलब कि फ्लैट बेल्ट में, फ्लैट बेल्ट में हमारा क्या होगा, इसके पट्टे की अनुप्रस्थ काट आयताकार होती, मैंने पहले ही बताया था चपटा पट्टा चालन में क्या होगा, फ्लैट का जो शेप होगा, आकार होगा, कैसा होगा, वो होगा कैसा, आयताकार होगा, जाहिर सी बात है उसका आयता, उसका जो आकार है वो कैसा है, आयताकार है। आयताकार का मतलब क्या होता है, आयताकार का मतलब क्या होता है, आयताकार का मतलब होता है कि रेक्टेंगुलर, मतलब कि उसमें लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। तो अगर खुला पट्टा, अगर खुला पट्टा चालन की अगर हम बात करें, खुला पट्टा चालन की अगर हम बात करें, तो उसका जो एरिया है क्या हो जाएगा, एरिया बराबर बी इंटू टी कह लीजिए, बी इंटू एल कह लीजिए, ठीक है, ब्रेथ होगा और क्या होगा, लेंथ होगा, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्या आ जाएगी, किसकी, खुले पट्टे की, क्या आ जाएगी, एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, किसका होगा, किसका होगा, खुला पट्टा चालन का होगा। ठीक है, अब देखिए इसका देखते हैं, वी बेल्ट ड्राइव का,
वी बेल्ट लाइक, बहुत इजी था। एरिया क्या होगा, एरिया हमारा किसका किसका बात कर रहा हूं मैं, खुले पट्टे चालन का। खुला पट्टा चालन मैंने क्या बताया था कि फ्लैट होगा, उसका शेप कैसा होगा, खुले पट्टे चालन का आयताकार होगा। तो जब उसका अनुप्रस्थ काट हमारा आयताकार है, जब उसका अनुप्रस्थ काट हमारा आयताकार है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इन टू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये डिफरेंस मैं बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब इसका देखिए आप लोग, एरिया इसका जो अनुप्रस्थ काट होगा क्या होगा, हिंदी में बोलते हैं उसको क्या, समलंबाकार। समलंबाकार क्या होगा हमारा, समलंबाकार, समलंबाकार होगा। ठीक है, अब इसका एरिया देखते क्या है, इसका कैसा बनेगा, क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखिए कुछ इस प्रकार का कार्ट बनेगा, जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, वी बेल्ट ड्राइव में, वी बेल्ट ड्राइव में इस तरीके का बताया था ना, इस तरीके का बताया था ना। इस तरीके का बताया था ना, देखिए यही कार्ट जो है, यही कार्ट जो है यहाँ पे रख करके मैंने बताया, जिसमें बी हमारा क्या है चौड़ाई है, ए हमारा क्या है, एक ए है एक साइड बी है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ। तो ये क्या है ये क्या है, समलंबाकार है, क्या है हमारा, समलंबाकार है। तो इसका जो एरिया होगा, इस अनुप्रस्थ काट का जो एरिया होगा हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी बाई टू इंटू एच, ए प्लस बी बाई टू इंटू एच, ये इसका क्या होगा, वी बेल्ट ड्राइव का हमारा क्या होगा, वी बिल्ट ड्राइव का हमारा क्या होगा, एरिया होगा। वी बिल्ट ड्राइव का हमारा क्या होगा, एरिया होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला को लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कोई बहुत विशेष जरूरत नहीं है इसकी आप लोगों को, न्यूमेरिकली पार्टी नहीं है, बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा डीपली जाने के लिए समझा रहा हूँ कि अगर फ्लैट बेल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई उसका आकार कैंपस काट कैसा होगा, फ्लैट होगा, आयताकार होगा, तो आयताकार होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इन टू ब्रेथ, और ये क्या होगा, समलाकार होगा, समलंबाकार अगर होगा किसका, वी बेल्ट का, क्या चीज, अनुप्रस्थ काट, तो उसमें एरिया कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी बाई टू इंटू एच। ठीक है, तो मैं बस एरिया निकालने के लिए आप लोगों को बता दिया हूं। नेक्स्ट देखते हैं क्या, खुला पट्टा चालन की बात कर रहे हैं, चपटा पट्टा चालन की बात कर रहे हैं, किसका, फ्लैट पट्टे का बात कर रहे हैं। हम क्या बता रहे थे आप लोगों को, अंतर बता रहे थे किसमें, चपटा पट्टा चालन और वी पट्टा चालन, यानी वी बेल्ट ड्राइव कह लीजिए और फ्लैट बेल्ट ड्राइव कह लीजिए।
तो पहले बात करते हैं चट्टापट्टा चालन का। तो इस चालन में पारेषित चालन, इस चालन में पारेषित शक्ति, शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, पावर को किससे डिनोट करते हैं, पी से। पावर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, चट्टापट्टा की। किसकी बात कर रहे हैं, फ्लैट बेल्ट की। तो पी जो है इसमें कितना हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू इंटू वी, इंटू क्या हो जाएगा हमारा, वी। वी क्या है हमारा, ये टोटल कितने में आएगा, पावर को क्या बोलते हम लोग, वाट। हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में कैपिटल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं या फिर पूरा लिख देंगे डब्ल्यू ए डबल टी। और वी पट्टा चालन में हमारा क्या होगा, वी पट्टा चालन में हमारा शक्ति का पारेषण क्या होगा, पी हमारा क्या होगा, वी पट्टा की बात कर रहे हैं। फ्लैट पट्टे में, फ्लैट बेल्ट ड्राइव या फिर ओपन बेल्ट ड्राइव में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही पट्टे का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी इसके पहले भी बताया, कितना, सिर्फ एक ही पट्टे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वी बेल्ट ड्राइव में हम क्या बोले हैं अभी को, एन बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से अधिक बेल्ट का हम क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेकेंड, क्या होगा, वी बेल्ट में हम क्या कर सकते थे, एक से अधिक पट्टे का इस्तेमाल करते थे और एन गुनी शक्ति का पारेषण करते थे। एन गुनी मतलब कि जब पट्टा का नंबर हम बढ़ा रहे थे, इस्तेमाल करने के लिए पट्टे का जब नंबर हम बढ़ा रहे थे, तो क्या मिल रहा था हमें, शक्ति अधिक एन गुनी शक्ति में मिल रही थी। यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये किसके लिए हमने बताया था, ये फ्लैट बेल्ट के लिए बताया था। किसके लिए बताया था हमने, फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए मैंने इसको बताया था। अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को बी बेल्ट ड्राइव के लिए शक्ति। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, ये हमारा एन में होगा इंटू क्या हो जाएगा हमारा, वी। एग्जैक्टली ये हमारा क्या है, वाट में, जहां पे एन बराबर क्या है, T1 T2 तो आप जान ही रहे हैं तनाव है, एन बराबर क्या है हमारा, खांचों में फंसे पट्टों की संख्या। एन क्या है, खांचों में फंसे पट्टों की संख्या है एन बराबर। तो जाहिर सी बात है, जब जितना नंबर ऑफ पट्टों की संख्या लेंगे, उतना ही पावर हमारा एन के गुणा में होता चला जाएगा, एन के मल्टीप्लिकेशन में होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वी बेल्ट ड्राइव में शक्ति पारेषण। नेक्स्ट किसमें हम जानना है अंतर, खुला पट्टा चालन, दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, खुला पट्टा चालन और
क्रॉस पट्टा चालन में अंतर क्या होगा? खुला पट्टा चालन और अब देखिए, खुला पट्टा चालन और क्रॉस पट्टा चालन में अंतर क्या क्या होगा? पट्टे के खुला पट्टा चालन की बात में पहले सर्वप्रथम खुला पट्टा चालन की बात करने जा रहा हूं आप लोगों के समक्ष। तो खुला पट्टा चालन में पहला पॉइंट है, पट्टे के दोनों पक्ष एक दूसरे को नहीं काटते हैं। पट्टा का जो दोनों पक्ष होगा, एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर, तो दोनों पक्ष एक दूसरे को क्या करेंगे, नहीं काटते। लेकिन क्रॉस पट्टा में क्या होगा, पट्टे के दोनों पक्ष एक दूसरे को काटते हैं। जैसे खुला पट्टा में ऐसे लगाया आपने, पट्टा ऐसे आ रहा है, ऐसे लपेट दिया है इसमें, तो क्या है कि एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया, रोटेट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रहे। लेकिन क्रॉस वाले में क्या होगा, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होगा, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में मैंने बताया था क्या ऐसे होगा, ऐसे हो रहा था, ऐसे यहाँ पुल्ली थी और यहाँ पे ऐसे पुल्ली थी, ऐसे आ रहा था, फिर ये पुल्ली थी, ऐसे बेल्ट आ रहा था, यानी ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, दोनों क्या हो रहा था, देख लीजिए बोर्ड पे बता दे रहा हूं। ये देखिएगा, ये कैसे बना हुआ है, ये एक पुल्ली है, दूसरी पुल्ली ये है, एक आया ऐसे लपेटा, ये आया ऐसे लपेटा, ठीक है, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक है, ये वाले मान लीजिए टी वन है, ये वाले का मान लीजिए टी टू तनाव है, ये वाला, ठीक है, ये जो पूरा आ रहा है इसमें टी वन है, ये जो पूरा जा रहा है इसमें टी टू है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब रोटेट करेगा, ये भागेगा इधर मान लीजिए, ये भागेगा इधर मान लीजिए, या ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो दूसरे को क्या कर रहे हैं, समझ आया, काट रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, दोनों पुल्लियां समान दिशा में घूमती हैं। खुला पट्टा चालन जो होता है उसमें पुल्लियां जो होती हैं वो समान दिशा में घूमती हैं, लेकिन क्रॉस पट्टे में क्या होता है, समान दिशा में नहीं घूमेगी। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन अगर ये खुला पट्टा होता तो दोनों पुल्लियों का क्या होता, सेम होता,